चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि सीसीपी के सीनियर्स ने उनको रिमूव कर दिया है एज अ हेड ऑफ पीएलए। वहां पे जाने के बाद पीछे बीजिंग में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ बड़े लीडर्स की मीटिंग हुई, जिसमें शायद कुछ डिसीजन लिया गया। तकरीबन 60% फ्लाइट्स जो के चाइना से चलती हैं किसी भी कंट्री के लिए उनको कैंसिल कर दिया गया है। आनंद फानन में वापस बीजिंग पहुंचे और खबरें यह है कि इनको एयरपोर्ट पे ही धर लिया गया, एयरपोर्ट पे सीधे इनको हाउस अरेस्ट में रख लिया गया। इसके साथ साथ पीएलए की जो मिलिट्री यानी चाइना की जो मिलिट्री है उनकी गाड़ियां जो हैं वो भी बीजिंग की तरफ रवाना हो गई हैं। ये तैयारियां किसी दुश्मन फौज या जारहियत करने वाले। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ एंकर्स बात कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया में भी काफ़ी खबर ट्विटर पे है या बहुत सारी जगह है। इवन सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर ट्वीट कर दिया है और बहुत सारे लीडर वेरीफाइड अकाउंट इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और नज़रबंद कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि वो, मतलब अब जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने उन्हें सेना के पद से भी हटा दिया गया था। अगर ये खबर सच होती है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी खबर है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये न्यूज चल रही है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि सीसीपी के सीनियर्स ने उनको रिमूव कर दिया है एज अ हेड ऑफ पीएलए। और इस वक्त उनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया है और कहा यह जा रहा है कि ये खबर जो है मुसलसल चल रही है। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 60% फ्लाइट्स जो कि चाइना से चलती हैं किसी भी कंट्री के लिए उनको कैंसिल कर दिया गया है। और इस वक्त चाइना में सिचुएशन काफी ज्यादा जो है वो कहना चाहिए थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है। काफी ज्यादा इश्यूज बने हुए हैं। और मगर सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि बहुत सी कंट्रीज में ये बात की जा रही थी। बहुत बार हमने अपने पैनलिस्ट वगैरह से भी सुना कि जी अगर शी जिनपिंग को हटा दिया जाए तो चाइना के साथ टर्म्स बेहतर हो सकते हैं। कई कंट्रीज जो है वो शी जिनपिंग की पॉलिसीज के को लेकर काफी जो थे वो उनको नापसंद किया जा रहा था और उनकी पॉलिसीज को कहा जा रहा था कि ये बहुत ज्यादा टफ किस्म की हैं और इसकी वजह से कई कंट्रीज नाराज थी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो खैर ये बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ पीएलए की जो मिलिट्री यानी चाइना की जो मिलिट्री है उनकी गाड़ियां जो हैं वो भी बीजिंग की तरफ रवाना हो गई हैं। और एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं फिर बात करते हैं। ये वीडियो भी जी चाइना की है और बताया यही जा रहा है कि ये सब पीएलए की जो गाड़ियां हैं वो चली चल पड़ी हैं बीजिंग की तरफ। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पीएलए ने जो है पूरा टेक ओवर कर लिया है और कंट्रोल कर लिया है चाइना को। और अब चाइना जो है एक तरह से मिलिट्री के अंदर है और पीएलए जो है वो फुल कंट्रोल करके वहां पे बैठे हैं। और शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट है फिलहाल। और उनको ये भी कहा गया है कि जी वो किसी भी तरह से जो है चाइना छोड़ के जाने की कोशिश ना करें, किसी भी दूसरी कंट्री में जाने की कोशिश ना करें। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। पाकिस्तान के लिए अगर ये खबर सही है कि शी जिनपिंग जो है उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है बल्कि हटा दिया गया है और एक तरह से मिलिट्री ने जो है वो चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया है। कहा यही जा रहा है कि इस वक्त पीएलए जो है वो चाइना को चला रहा है। खैर पाकिस्तान के लिए कोई खास बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में तो मिलिट्री अक्सर ही गवर्नमेंट्स को हटाती रहती है, बाहर भगा दिया करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में लटकाते रहते हैं, फांसी भी लटकाया गया है और कई दूसरी तरह की अब सब लोग जानते हैं कि किस तरह से काम होता है। लेकिन फिर भी चाइना के लिए शायद ये कोई नई बात होगी। और लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के लिए ये भी एक फिक्र की बात है कि आखिर अगर ऐसा हो गया है तो पाकिस्तान के साथ जो नए लोग आएंगे चाइना में, जो नई गवर्नमेंट बनेगी, उनके साथ हमारे टर्म्स कैसे होंगे। और क्या वो भी यही कहेंगे कि जी समंदर से गहरी, आसमानों से ऊंची और पता नहीं पहाड़ों से ऊंची और क्या क्या, वो सब कुछ चलेगा या नहीं चलेगा। एक बहुत फिक्रमंद कर देने वाली ये न्यूज़ है। चाइना के प्रेसिडेंट आज सुबह से या कल से ही माने
चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में एक खबर इंटरनेट पे दौड़ रही है, सोशल मीडिया पे दौड़ रही है, ट्विटर पे चल रही है कि उनको हाउस अरेस्ट में रख दिया गया है। अब हाउस अरेस्ट में रख दिया गया, इसमें डिटेल्स बहुत सारी हैं। चाइना से फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, खबर ये भी है कि 60% फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। मैं इसकी इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं कर सकता कि 60% फ्लाइट कैंसिल हुई है कि नहीं, लोग बता रहे हैं और कुछ अलग सोर्सेस से खबर आ रही है। हांगकांग से, चाइना से जो खबरें बाहर निकल रही हैं उसके हिसाब से शी जिनपिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन गए थे। वो मीटिंग इस बार जहां पे भी हुई थी वहां पर वो 2 साल बाद गए, उससे पहले वो 2 साल बीजिंग से बाहर नहीं निकले थे। और वहां पे जाने के बाद पीछे बीजिंग में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ बड़े लीडर्स की मीटिंग हुई जिसमें शायद कुछ डिसीजन लिया गया। इस मीटिंग की भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग खबरें हैं। इस मीटिंग के बाद हो सकता है ये मीटिंग की खबर शी जिनपिंग को लगी हो, तो शी जिनपिंग आनन फानन में वापस बीजिंग पहुंचे और खबरें ये है कि इनको एयरपोर्ट पे ही धर लिया गया, एयरपोर्ट पे सीधे इनको हाउस अरेस्ट में रख लिया गया। अब तक हाउस अरेस्ट में ऐसा बोला जा रहा है। आज रोहित भाई ये जो हम शो कर रहे हैं ये कोई नॉर्मल शो नहीं है। आज ये कोई मतलब जो हम शो कर रहे हैं वैसा शो नहीं, दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग, ये इतिहास बन रहा। और आज का ये शो हो सकता है हिस्ट्री के आर्काइव्स में जाए। दिस कैन बी अ शो विच कैन लीव इट्स इंप्रेशन ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम्स टिल इटर्निटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शो। पहले हम मैं ये बता दूं, देखिए अभी जो भी हम कर रहे हैं एक एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ पॉसिबिलिटीज। अभी वी कैन नॉट कंफर्म और डिनाई, कंफर्म और डिनाई करना गवर्नमेंट्स का काम होता, हमारा काम नहीं होता। हम एक संभावना, वी कैन टॉक ऑन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग एंड व्हाई दिस कुड हैपन और व्हाई दिस कुड नॉट हैपन, हम उस चीज पे बात करेंगे। तो ये हमारे दर्शकों को और सबको जानना जरूरी है। व्हेन वी आर ऑन द सेम पेज, जब उस पेज पे आते हुए हम इस पेज पे बात करेंगे। देखिए रोहित भाई, पिछले शो की बात करें, कल परसों ही हुआ था, मैंने कहा तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको पहली बात तो बता दूं कि चीन से जो भी खबर आती है हम उस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। चीन में गूगल नहीं है, चीन में फेसबुक नहीं है, चीन में ट्विटर नहीं है, चीन में इंस्टाग्राम नहीं है, आप समझ जाएं, चीन में यूट्यूब नहीं है। तो ये इस तरीके की खबरें अगर चीन से आती हैं तो डेफिनेटली उसको यकीन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो चीन को लेकर एक्सपर्टीज़ रखते हैं उनसे बात करने की ज़रूरत है, जो चीन में है एक्चुअली में उनसे बात करने की ज़रूरत है। चीन का एक ही जो ग्लोबल टाइम्स जो उनका मीडिया हाउस है वो क्या खबर दिखाता है वो डिपेंड करता है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर। वो चीन का सरकारी मीडिया है, चीन का जो एक्चुअल व्यू है वो नहीं रखता है। तो आप समझ जाएं किस तरीके की कि वहाँ पे डेमोक्रेसी और किस तरीके के हालात हैं। अब अगर ये खबर सच होती है तो डेफिनेटली ये खबर बहुत बड़ी खबर है। कुल मिला के आप समझ जाएँ कि जो चीनी राष्ट्रपति हैं, ऐसा माना जाता था कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल नेताओं में से एक हैं, और अगर उनको ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी क्या व्यू रखती है इन फ्यूचर, अब समझ में नहीं आ रहा है। चीन का अमेरिका के साथ एक अलग पंगा है, ताइवान का एक अलग इशू है, भारत के साथ तो आपको पता है चीन का क्या सीन है। भारत के प्रेस अभी, भारत का जो अभी SCO समिट में भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चीनी राष्ट्रपति के साथ कोई मुलाकात भी नहीं की, और बहुत सारे भारत के साथ पंगे हैं चीन के, डिसएंगेजमेंट भी हुआ लद्दाख में, हालांकि इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। बट जो प्रॉब्लम आ रही है चीन में, अगर ये होती है तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। चीनी राष्ट्रपति को अगर हाउस अरेस्ट किया जाता है, हाउस अरेस्ट होते हैं वो या उन्हें नज़रबंद किया जाता है, तो ये बहुत बड़ी खबर है और इसका खुलासा कुछ दिन में तो हो ही जाएगा। ऐसा है नहीं कि ये खबर दुनिया से छुपाई जा सके। देखते हैं आने वाले समय में कितने समय में ये खबर दुनिया के सामने आती है। आपको क्या लगता है दोस्तों ये वीडियो देखने का, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।